है गाइस सर, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये हमारे पास है रियलमी की C55 डिवाइस एंड देखो इस डिवाइस में ना स्टोरेज का इशू फेस हो रहा है। स्टोरेज ऑलरेडी यहाँ पर आपको फिल देखने को मिल जाता है अराउंड 20 GB के आसपास। अब देखो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस स्टोरेज को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो या फिर थोड़ा बहुत उसको कम किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है ना वो आपको फॉलो करनी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर डिवाइस के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट डिवाइस में जाएंगे एंड यहीं पर हम चले जाते हैं डायरेक्टली स्टोरेज में। अब मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है ना अटैच कर दूंगा। देखो अदर वाले सेक्शन में अराउंड 8.5 GB ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है एंड सिस्टम का 14 GB का है। अब देखो सिस्टम का जो है ना 14 GB है, काफ़ी ज़्यादा होगा एंड अदर वाले सेक्शन में भी 8 GB का आपको देखने को मिल जाता है। वैसे तो मतलब अदर वाले सेक्शन में इतना डेटा यहाँ पर जाना नहीं चाहिए था, बट ये जा चुका है। किस तरीके से जा चुका है, किस वजह से जा चुका है, देखो मैं यहाँ पर बैक प्रेस करता हूँ। अब आपको एक चीज़ पता हो कि इस डिवाइस में आपको रैम एक्सपांशन का फीचर देखने को मिल जाता है, राइट। तो वो फीचर कहाँ पर आपको अबाउट डिवाइस में देखने को मिल जाएगा एंड वहीं पर है रैम का ऑप्शन, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी देखो 4 GB के अराउंड जो है ना रैम एक्सपांड कर दी है। अब इसी की वजह से ये जो एक वर्चुअल रैम होने की वजह से 4 GB का आपका स्टोरेज ऑक्यूपाई हो जाता है इसमें। अब ये आपको डायरेक्टली अदर वाले सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अगर आप इस फीचर को डिसेबल करते हो ना रैम एक्सपांशन के फीचर को, तो आपका 4 GB ऑटोमेटिकली यहाँ कम हो जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि रैम एक्सपांशन का फीचर आपको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये फीचर इतना यूज़फुल नहीं है, जो आपका फिजिकल रैम है वही बेटर है। ये जो रैम एक्सपांशन का फीचर है 4 GB वाला मैंने ऑलरेडी इनेबल करके रखा है, ये मत यूज़ कीजिए क्योंकि इसमें आपका 4 GB का स्टोरेज भी चला जाता है। अब ये एक हो गया, एक ऑप्शन ये आपको ध्यान से करना है। उसके बाद में और एक मेन चीज़ है जो सिस्टम का आपको देखने को मिल जाता है 14 GB का, काफ़ी बड़ी साइज़ है। अब इसको भी आप काफ़ी हद तक एम्प्टी कर सकते हो। किस तरीके से, जो सिस्टम के कुछ अनयूज ऐप्स हैं ना उनको आपको सिंपली अनइंस्टॉल करना है। जैसे कि आपको रियलमी का जो ब्राउज़र देखने को मिल जाता है जो कि कुछ काम का नहीं, उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। एंड और भी कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं आपको सिस्टम के यहाँ पर दिखा दूँ, काफ़ी सारे एप्लीकेशन है रियलमी स्टोर पर आप अनइंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि इसको कोई यूज़ नहीं करता। उन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड लाइन से अनइंस्टॉल करना होता है। ये काफ़ी सिंपल है, इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं, बट इससे आपका काफ़ी जो इंटरनल स्टोरेज है ना वो यहाँ पर कम होने वाला है। तो रियलमी का ब्राउज़र हुआ, रियलमी का जो ऐप स्टोर है ना, ऐप मार्केट वगैरह, ये चीज़ें, ये एप्लीकेशन कुछ काम के नहीं, बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके डिवाइस का स्टोरेज ऑक्यूपाई करके रखा है। तो इन सभी को आपको अनइंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपके डिवाइस काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है ना एम्प्टी होने वाली है। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है इस डिवाइस में, अगर थोड़ा बहुत आपको स्पेस और एम्प्टी करना है। एप्लीकेशन को अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको जो सिस्टम की एप्लीकेशन है ना उनको किस तरीके से अनइंस्टॉल करना है रियलमी C55 डिवाइस में, ये मैं आपको कंप्लीट बताऊँ। तो ये थी वीडियो आज की, अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।